और आइए अब आपको देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे में देरी हुई और इसकी सबसे बड़ी वजह पूर्णिया की सीट रही। आखिरकार पूर्णिया की सीट आरजेडी के कोटे में चली गई है और आनन फानन में कांग्रेस में शामिल होने वाले पप्पू यादव देखते रह गए। और इसी को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि पप्पू यादव गाजे बाजे के साथ कांग्रेस में शामिल तो हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये कि पप्पू यादव ने औपचारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण ही नहीं की। पार्टी की सदस्यता के लिए जरूरी पर्चा नहीं कटवाया। ऐसे में अगर वो पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार बनते हैं तो कांग्रेस उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पप्पू यादव को लेकर सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर कि उन्होंने ऑफिशियल तौर पर कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। तो देखिए पप्पू यादव को लेकर सवाल पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश ने कहा कि पप्पू को लेकर फैसला आलाकमान ही करेगा। हमारा समझौता हुआ है उस पर हाईकमान का की सहमति और स्वीकृति के बाद होता है, ठीक है। अब अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो फिर हाईकमान उस पर फैसला लेगा। तो देखिए बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश ने दावा किया है, क्या दावा किया है वो भी आपको बताएंगे। पप्पू यादव पर जो फैसला है वो आलाकमान करेगा, आपने उनको भी सुना। लेकिन देखिए ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि सदस्यता वाली जो पर्ची है, यानी कि जो ऑफिशियल तौर पर पर्ची होती है, वो नहीं कटवाई पप्पू यादव की तरफ से। गाजे बाजे के साथ तो दिखा सबको कि वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर किसी तरीके की कोई पर्ची उन्होंने नहीं कटवाई, कोई फॉर्म उन्होंने नहीं भरा। यानी कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस उन पर कानूनी रूप से कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी जैनेन्द्र कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जैनेन्द्र, पप्पू यादव जो कि लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि पूर्णिया की सीट नहीं छोड़ूंगा, हालांकि उनके हाथ से वो सीट जाती हुई दिख रही है, लेकिन अगर वो निर्दलीय पर्चा भरते हैं तो क्या कांग्रेस उन पर कोई कार्रवाई कर सकती है? बिल्कुल, इसी को लेकर बड़ा अपडेट यह है, कांग्रेस के उप सूत्रों ने बताया है कि पप्पू यादव ने कांग्रेस की सदस्यता जो है औपचारिक तौर पर ग्रहण नहीं की है। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस में अपनी पार्टी के विलय का ऐलान किया, कांग्रेस का पट्टा भी पहना, लेकिन जो तकनीकी तौर पर जरूरत होती है सदस्यता ग्रहण करने की, जो पर्ची कटवानी होती है, सदस्यता फॉर्म भरना होता है, वो प्रक्रिया उनकी पूरी नहीं की गई है। और इसी वजह से हमें सूत्रों ने बताया कि पप्पू यादव को कांग्रेस का सिंबल मिलने का तो प्रश्न नहीं है, और अगर ऐसे में वो निर्दलीय खड़े होते हैं तो फिर पार्टी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो पार्टी के सदस्य है ही नहीं। तो बिना, जब कोई सदस्य ही नहीं है तो उस पर पार्टी कैसे कार्रवाई कर सकती है? तो पप्पू यादव अपनी पूर्णिया सीट पर दावेदारी को लेकर लगातार चर्चा में है। बिहार की सबसे वो चर्चित सीट बन गई है, वो सीट गठबंधन में कांग्रेस नहीं ले पाई आरजेडी, वो सीट गठबंधन में कांग्रेस नहीं ले पाई, आरजेडी ने वहां से अपना कैंडिडेट उतारा है। पप्पू यादव ताल ठोक रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात वो कह रहे हैं, और नजरें इस बात को लेकर थी कि क्या कांग्रेस उन पर कार्रवाई करेगी। अभी 10-12 दिन पहले ही वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अब टॉप सोर्सेस बता रहे हैं कि चूंकि वो आधिकारिक तौर पर सदस्य है ही नहीं, ऐसे में वो अपना निर्णय लेने को स्वतंत्र है। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। बिल्कुल जैनेन्द्र, लेकिन ऐसे में दो सवाल उठते हैं। एक सवाल ये कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही कि जो ऑफिशियल तौर पर पर्ची भरी जाती है वो पर्ची नहीं भरी गई, एक सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि आसार क्या नजर आते हैं, क्या वाकई ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है, संकेत मिल रहे हैं कि वो लड़ सकते हैं निर्दलीय चुनाव? बिल्कुल, पप्पू यादव ने तो अपनी पूरी तैयारी की हुई है। पहले वो 2 तारीख को ही, यानी आज ही पर्चा भरने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने 4 तारीख को पर्चा भरने का ऐलान किया है, जो आखिरी तारीख है सेकंड फेज में नॉमिनेशन की। तो पप्पू यादव तो अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन और आखिरी तक वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आरजेडी लीडरशिप जो है वो मान जाए। गठबंधन के ऐलान के बाद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। और पप्पू तो लड़ेंगे निर्दलीय, लेकिन कांग्रेस अब ये कह रही है कि वो तो सदस्य है ही नहीं, उन पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है। खबर पर जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं वापस से आपके साथ कनेक्ट होती हूं। आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। हाँ, रविवार को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि अगर फिक्सिंग करके मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आ गई तो देश में आग लग जाएगी। आज रुद्रपुर की रैली में पीएम मोदी ने इसी बयान को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला। मगर भाई और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है।
शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी आग लग जाएगी, 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी सभा की। पीएम मोदी को देखने और सुनने जावेद खान भी पहुंचे थे। जावेद खान ने एबीपी न्यूज से बातचीत में पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी की ये बात दोहराई कि जब तक मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर नहीं होगा, तब तक मुसलमानों का विकास नहीं होगा। हमारे साथ एक खास व्यक्ति है जावेद भाई, जो रुद्रपुर से ही ताल्लुक रखते हैं और नरेंद्र मोदी जी के बहुत अथक प्रशंसक हैं। जावेद भाई, नरेंद्र मोदी जी को आप कितना पसंद करते हैं? बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो देश के एक बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री हैं। उन जैसा प्रधानमंत्री होना असंभव है। आमतौर पर मुस्लिम समाज नरेंद्र मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को ऐसी दृष्टि से देखता है कि शायद वो उनका नुकसान करने वाली पार्टी है या ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों को पसंद नहीं करते। सर, ऐसा नहीं है। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम्स के लिए बहुत किया है और बहुत योजनाएं बनाई हैं जिससे कि मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और मोदी जी ने सबसे बड़ी बात कही कि मुस्लिम्स का विकास करेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। उनका एक बहुत अच्छा वो है, वो कहते हैं कि मुस्लिम के एक हाथ में मैं कुरान देखना चाहता हूँ और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। तो इससे अच्छी सोच और किसकी हो सकती है? बड़े विकासशील मुस्लिम हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देश के विकास के लिए तो बोलना ही चाहिए। ऐसा तो नहीं कि बगल में दारुल उलूम है और वहाँ से फतवा जारी हो जाए आपके? सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देश के विकास के लिए तो बोलना ही पड़ेगा और जो देश का विकास करेगा उसके साथ तो चलना ही पड़ेगा। सर, जो देश का विकास करेगा उसके साथ चलना पड़ेगा। जावेद भाई रुद्रपुर से ही हैं, बड़े विकासशील व्यक्ति हैं और इनका मानना है कि मुस्लिम के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में जब तक कंप्यूटर नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। बड़ी खबर मिल रही है और खबर यह है कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सुनवाई थी उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में, जिसे पहले हाई कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया था, लेकिन ये एक बड़ी राहत संजय सिंह के लिए। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को राहत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, शराब घोटाले में आरोपी हैं संजय सिंह और ये उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, बीते कल से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ ये संजय सिंह के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत संजय सिंह को मिली है, राहत मिल चुकी है और जमानत अर्जी पर जो आज सुनवाई होनी थी उसमें जमानत मिल गई है संजय सिंह को। इस अर्जी को हालांकि खारिज कर दिया गया था हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन आज जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो उन्हें जमानत मिल गई है और निश्चित तौर पर यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, संजय सिंह के लिए एक बड़ा रिलीफ है। शराब घोटाले में ही आरोपी है संजय सिंह और बड़ी राहत उनके लिए। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। निपुण, ये एक तरफ केजरीवाल की बढ़ती मुश्किलों के बीच आम आदमी पार्टी और संजय सिंह के लिए कितनी बड़ी राहत है आज सुप्रीम कोर्ट से ये जो उन्हें राहत मिली है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी राहत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लंच ब्रेक पर जाने से पहले ईडी से स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि 6 महीने
से अधिक समय हो गया है जब से संजय सिंह बंद है, तो क्या उनको हिरासत में रखने की जरूरत है? तो एजेंसी को कहीं ना कहीं ये बताना था सुप्रीम कोर्ट को कि हिरासत में रखने की जरूरत अगर है तो क्यों है। ऐसे में ईडी ने आकर यही बोला है कि उन्हें फिलहाल हिरासत में रखने की या जेल में रखने की जरूरत हमें नहीं लगती है। ईडी ने सिर्फ ये अनुरोध किया कि कोर्ट ये कहे कि इस केस के बारे में बाहर वो बयान ना दें। हालांकि कोर्ट ने इसके बारे में कहा नहीं है कुछ और कहा है कि निचली अदालत उचित शर्तें तय कर देगा। तो साफ है कि अब संजय सिंह रिहा हो जाएंगे, बस अब वक्त की बात है और निचली अदालत से एक बार जमानत की प्रक्रिया पूरी होगी, शर्तें तय की जाएंगी और उसके बाद संजय सिंह की हो सकता है कि कल तक रिहाई हो जाए। क्या जेल से बाहर आने का रास्ता इस वक्त बिल्कुल साफ हो चुका है निपुण? और ये जो प्रोसेस रहेगा, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, ये कितना लंबा प्रोसेस होता है उनके बाहर आने का? देखिए, पहले सवाल का जवाब कि जेल से बाहर आने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने अब आदेश दे दिया है। और सबसे बड़ी अदालत के सामने ईडी से कोर्ट ने पूछा था कि क्या कोई जरूरत है इनको अभी भी बंद रखने की। ईडी ने कहा नहीं, जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ शर्तें लगानी जरूरी है, जैसे केस के बारे में बयान ना दें, इस तरह की चीजें, और इनको रियायत दी जा सकती है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस, यानी जब तक अब ये केस लंबित है, एक तरह से नियमित जमानत की तरह संजय सिंह के लिए ये हो जाएगा। रही बात प्रक्रिया की, तो जब भी कोई ऊपर की कोर्ट एक अनुमति देती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से बेल बॉन्ड नहीं बनता है, बेल बॉन्ड उसी अदालत से बनता है जहां मुख्य मुकदमा चल रहा है, यानी निचली अदालत से। तो वहां पर संजय सिंह के वकील पहुंचेंगे और ये जमानत की अर्जी लगाएंगे और बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसके बाद अगर आज ही निचली अदालत ने वो बेल बॉन्ड जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया, तो रिहाई हो सकती है, नहीं तो कल तक ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि संजय सिंह रिहा हो जाएंगे। लेकिन 6 महीने का ये पूरा समय रहा निपुण, जब संजय सिंह जेल के भीतर रहे, इस 6 महीने के अंदर क्या कार्रवाई हुई वहां पर, क्या इस बारे में कोई जानकारी? 6 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर सवाल किया था, क्योंकि संजय सिंह के वकील ये कह रहे थे कि इन कोई भी अपराध की जो धन राशि है इसकी कोई बरामदगी नहीं हुई है और संजय सिंह के पास से कुछ विशेष मिला नहीं है, 6 महीने से अधिक का समय हो गया है और अब इनको हिरासत में रख के कुछ नहीं मिलेगा। कोर्ट में जो बयान होना था वो सारे बयान इनके हो चुके हैं, जो आमना सामना कराया जाना था कि दूसरे आरोपियों से, सारी बातें हो चुकी हैं। ऐसे में वो जांच में सहयोग को तैयार हैं और आगे भी अगर कोई जरूरत पड़ती है तो, लेकिन उनको हिरासत में रखने की जरूरत नहीं। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि इनको हिरासत में रखकर अब क्या हासिल होगा, क्या इनको रिहा कर देना चाहिए या जरूरत आप समझते हैं अभी भी। ईडी ने 1 घंटे का समय लिया और आकर बताया कि नहीं, इनको रिहा किया जा सकता है और इनको हिरासत में रखने की हमें कोई जरूरत नहीं लगती है। तो ईडी ने सीधे सीधे एक रियायत दी और उस रियायत को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज कर लिया और जमानत का आदेश दे दिया। बिल्कुल, लेकिन अभी जिस तरीके से निपुण हम देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, इस बीच जब संजय सिंह को राहत मिली है, ये किस तरीके से पूरी पार्टी हो या मनीष सिसोदिया जो कि अभी अंदर है, उनके लिए किस तरीके से राहत भरा होगा या उनके लिए आशा बनकर उभरेगा कि अगली बारी मनीष सिसोदिया की हो सकती है बाहर आने की? निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया की बारी हो सकती है, हालांकि उन्होंने भी इसी तरह की जमानत अर्जी दाखिल की थी और यही बेंच थी जिसने पूरे मामले को विस्तार से सुनने के बाद खारिज कर दिया था। लेकिन तब ये भी कहा था कि अगले 3-4 महीने में ईडी जांच को पूरी कर ले, अगर पूरी नहीं करती है या और ज्यादा समय लेती है तो सिसोदिया दोबारा आ सकते हैं जमानत के लिए। वो अवधि भी अब पूरी होने जा रही है, ऐसे में सिसोदिया भी दोबारा दरवाजा खटखटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये कहते हुए कि जिस तरह से संजय सिंह को जमानत दी गई, मुझे भी जमानत दी जाए। और मेरे मामले में कोर्ट ने यही कहा था जमानत से मना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कि कुछ महीनों का वक्त हम ईडी को और दे रहे हैं जांच के लिए, वो अवधि भी बीत गई है। ऐसे में हो सकता है कि सिसोदिया की भी रिहाई हो जाए और दूसरे आरोपियों की भी रिहाई हो, क्योंकि लंबे समय तक किसी को जेल में रखने की कोई वजह नहीं मानता है कोर्ट, नहीं मानता है, क्योंकि इस तरह से तो जो सजा तय है वो सजा ही काट लेगा आदमी मुकदमा लंबित रहने के दौरान। तो ये सारी बातें कंसिडरेशन होते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने और यही सवाल किया गया। इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं आशावादी हो गए होंगे और इस बीच आतिशी की तरफ से ट्वीट भी कर दिया गया, उन्होंने ट्वीट में लिखा है सत्यमेव जयते। तो ये जो ट्वीट है ये आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी की तरफ से किया गया, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा सत्यमेव जयते। फोन लाइन पर मेरे साथ अंकित गुप्ता भी मौजूद है। अंकित, अभी मैं और निपुण इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि ये जो जमानत मिली है ये अब आगे की प्रोसेस जो होगा, प्रोसीडिंग होगी, वो किस तरीके की होगी, कब तक संजय सिंह बाहर आ सकते हैं, जो जमानत की शर्तें होती हैं वो क्या निचली अदालत की तरफ से तय की जाएंगी?
जी बिल्कुल, देखिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है ये लिखित तौर पर निचली अदालत में जाएगा और निचली अदालत उसके बाद में जमानत की शर्तें जो तय करने के बाद में रिलीज ऑर्डर जारी करेगी। तो ऐसे में फिलहाल इस वक्त अगर मैं बात करूं तो संभावना आज रिलीज होंगे उसकी थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन संजय सिंह के वकील कोशिश जरूर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर के जल्द से जल्द निचली अदालत में जाए और वहां से जो भी शर्तें हो उसका पालन करके आज शाम तक रिलीज हो जाए। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं कि आज निकल पाएंगे उसकी संभावना, जेल से निकल पाएंगे उसकी संभावना थोड़ी कम जरूर है। लेकिन जिस बात का भी आप और निकुंज चर्चा भी कर रहे थे कि अब इस मामले में जो बाकी के आरोपी हैं, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो जिनके जो है निचली अदालत में सुनवाई चल रही है, अब वो लोग जो है एक ग्राउंड ले सकते हैं, क्योंकि जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उसमें एक ग्राउंड होता है पैरिटी का ग्राउंड, यानी कि जो जिस आधार पर आपने एक आरोपी को जमानत दी उसी आधार पर आप बाकी आरोपियों को भी जमानत पर रिहा कर दें। अगर एक आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है तो बाकी आरोपियों को भी जमानत पर रिहा किया जा सकता है। तो मुमकिन है कि मनीष सिसोदिया हो या फिर जो बात हो अगले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी अगर कोई ऐसी याचिका आती है तो वो ग्राउंड ऑफ पैरिटी उठाते हुए इन लोगों के लिए भी जमानत की मांग की जाए। लेकिन निश्चित तौर पर पिछले छह महीने से जेल की सलाखों के पीछे थे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, अब उनके लिए आई है एक बड़ी राहत। ठीक है, अंकित संजीव झा जी मेरे साथ जुड़ गए आम आदमी पार्टी के विधायक है। संजीव जी सबसे पहले तो बधाई हो, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता खुश होंगे संजय सिंह जेल से बाहर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक बात तो यह तय होता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। मुझे लगता है कि आज तमाम साजिशकर्ताओं के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरह से ये कितनी भी साजिश कर लें लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, यह तो ऊपर वाला करेगा। तो मैं आज जुडिशरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने न्याय दिया और अल्टीमेटली भरोसा उन्हीं पे है। देखिए डेमोक्रेसी के तीन अंग हैं, अब जुडिशरी, लेजिस्लेचर और ये एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ऐसा लगता है कि अपने अकाउंटेबिलिटी भूल गया, तो अब लोगों की उम्मीदें जुडिशरी से है। तो मुझे लगता है कि आज का दिन बिल्कुल ठीक कहा कि हम सब लोगों के लिए, पूरी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मुझे लगता है अच्छा दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन संजीव जी आम आदमी पार्टी तो बार बार यही कहती आई है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, क्या आज आप एबीपी न्यूज पर इस बात को मानेंगे कि कानून सबसे ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट से ही रिहाई मिली है, अब यकीन है आपको कानून पर? हमेशा कानून पे न्याय, कानून पर भरोसा रहा है। हम तो कभी नहीं कहे हैं कि कानून पर भरोसा नहीं, कानून पर ही भरोसा है। मैं आज वही तो कह रहा हूँ कि देखिए इस देश के जनतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, संविधान में जो ताकत दिया गया उसको खत्म करने की कोशिश सरकार कर रही है। तभी मैंने तो आपको कहा कि संविधान के जो तीन इंपॉर्टेंट अंग थे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो हमारा लेजिस्लेचर हो, वो अकाउंटेबिलिटी अपना भूल गया और हर बात के लिए न्यायपालिका में जाए, तो न्यायपालिका पे काम का बोझ बढ़ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली न्यायपालिका अपनी काम जिम्मेदारी से कर रहा है और इसीलिए लोगों का उम्मीद और भरोसा भी न्यायपालिका से है। तो आज फिर से सुप्रीम कोर्ट को ढेर सारा धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आज जो न्याय मिला है, मुझे पूरा भरोसा है। इसी तरह से देखिए एक एक नेता बाहर निकलेंगे, ये फर्जी केस डालकर आप कुछ दिन तक गुमराह कर सकते हो न्यायालय को, लेकिन अल्टीमेटली जब बात फैक्ट की आएगी, कभी कितने दिन आप इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। ठीक है संजीव जी, और उसी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया भी है, जिस पर आज दर्शक भी ये खबर देख रहे हैं कि संजय सिंह अब जेल से बाहर आएंगे। आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को ये बड़ी राहत।